हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यू, जैसे मैंने कहा था आपको कि आपके पास दो दो दिन सारे पार्ट्स आएंगे वो कैप्स के, तो वोकैबुलरी के जो भी जितने भी बन सकते हैं, जैसे कि आपने सिनोनिम पढ़ा, एंटोनिम पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस होगा, उसके बाद जो भी आगे पार्ट आएंगे, चाहे वो स्पेलिंग एरर का हो या होमोफोन्स का हो, सारे आपके पास मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करने वाले हैं हम लोग। पहला हमारा लिखा हुआ है डक इन ए थंडर स्टॉम। थंडर स्टॉम मतलब क्या होता है? थंडर स्टॉम मतलब होता है तूफान, एक बर्फीला तूफान। और डक मतलब आपको पता ही है, बतख। तो अगर कोई बतख, मान लीजिए थंडर स्टॉम तूफान में होगी, तो कैसा महसूस करेगी? पहला हमारा लिखा हुआ है इन हॉट वाटर। अगर आप किसी गर्म पानी में अगर आप फंस जाते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? इन द मायर। मायर मतलब होता है फंसना। बर्न वंस फिंगर, और यदि आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो आपको कैसा फील होगा? इन ए जैम। आप देखते हैं, जब जैम वगैरह लगा होता है तो आपको बड़ा इरिटेशन सा महसूस होता है। तो डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब होता है मुसीबत में या परेशानी में। मुसीबत में या परेशानी में। तो ये सारे जितने भी लिखेंगे, इन हॉट वाटर, इन द मायर, बर्न वन फिंगर, इन ए जैम, सभी का मतलब होता है मुसीबत में, परेशानी। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स, आप पत्थर फेंकिए, आप कितनी दूर तक पत्थर फेंक सकते हैं? एटलीस्ट इतनी तो डिस्टेंस होती है कि वो पत्थर आपको दिखाई देगा। वेरी फार ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत दूर। विद अ सर्टन रेडियस, सर्टन मतलब एक निश्चित, और रेडियस मतलब परिधि, एक निश्चित परिधि तक, एक सर्टन रेडियस। या फिर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस विद इन ए डेफिनेट सरकमफ्रेंस। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब आप पत्थर फेंकेंगे तो कहाँ तक फेंकेंगे? एक छोटी सी डिस्टेंस होगी जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। तो हमारा सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विद इन ए डेफिनेट सरकमफ्रेंस, जो हमारी सरकमफ्रेंस होगी वो एक डेफिनेट होगी, एक निश्चित होगी। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब होता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है बर्न्ड हिज फिंगर। बर्न्ड हिज फिंगर का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, उसमें लिखा था बर्न हिज फिंगर। बर्न्ड हिज फिंगर का मतलब क्या होता है? अगर आप अपनी उंगली जला लेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको क्या होगा? गॉट हिमसेल्फ इन टू ट्रबल, आप खुद को परेशानी में डाल रहे हैं, आप खुद परेशान हो रहे हैं। गॉट हिमसेल्फ इन टू ट्रबल, आप खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। बर्न्ड हिमसेल्फ, स्वयं जल जाना। गॉट हिमसेल्फ इंसल्टेड, या किसी के द्वारा आप इंसल्ट किया जाना। गॉट रिबुक्ड, या किसी के द्वारा मारा पीटा जाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, खुद को परेशानी में डालना। नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, मतलब क्या होता है? कि अवांछनीय, अवांछनीय, या बोल सकते हैं नकारा। आप देखते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली में कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली घर पर बैठे बैठे दिन भर खाते पीते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो घर पर क्या होती है, इज्जत एक कम हो जाती है। और फिर लोग जो फैमिली वाले होते हैं, चाहे मम्मी पापा हों, वो एक मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं और अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। तो जो फैमिली का एक नकारा व्यक्ति होता है, अवांछनीय व्यक्ति होता है, जो कुछ नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लैक सीप। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी। वेरी स्ट्रेंज मतलब जो बहुत ज़्यादा अनजान हो, और वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना। इन ए टाइट स्पॉट, इन ए टाइट स्पॉट मतलब होता है इन जैम या इन हॉट वाटर, मतलब मुसीबत में या परेशानी में। इन टाइट स्पॉट मतलब होता है इन जैम और इन हॉट वाटर, मुसीबत में या परेशानी में, डिफिकल्टी में।
फेदर इन वंस नेस्ट, फेदर मतलब क्या होता है, फेदर मतलब होता है पंख और नेस्ट मतलब होता है जो पंछियों का जो घर होता है, घोंसला जिसे कहते हैं वो नेस्ट होता है। तो फेदर इन वंस नेस्ट मतलब क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए कहीं से भी फेदर ले आती हैं, कहीं से भी पंख उठा कर ले आती हैं, किसी का भी पंख उठा कर ले आती हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि कहाँ से आया कैसे आया, नो मैटर। फेदर इन वंस नेस्ट मतलब होता है किसी भी तरीके से, बींग लेजी इन डूइंग हिज वर्क, बहुत ज़्यादा लेजी फील करना आप अपना काम करते हुए, या फिर बीइंग टू जेनरस, बहुत ज़्यादा उदार होना, नेगलेक्टिंग हिज जॉब, अपनी जॉब को नेगलेक्ट करना, या मेकिंग मनी अनफेयरली, किसी भी तरीके से, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से पैसा कमाना, ये मैटर नहीं करता कि वो सही तरीका है या गलत तरीका है, बस पैसा कमाना है। उसका मतलब क्या होता है, वही इडियम लिखा हुआ, फेदर इन वंस नेस्ट मतलब होता है बाई एनी मीन्स, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से, ये दोनों सेम जो इडियम है, बाई हुक और बाई क्रुक, और फेदर इन वंस नेस्ट मतलब होता है किसी भी तरीके से, नो मैटर सही रास्ता है या गलत रास्ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, मेकिंग मनी अनफेयरली, गलत तरीके से पैसा कमाना। लिखा हुआ है शैंग फ्रॉयड, शैंग फ्रॉयड मतलब क्या होता है, शैंग फ्रॉयड मतलब होता है जो हमारी शांति होती है, शांति बनाना, शांति बनाए रखना, उसके लिए आता है ट्रैंक्वलिटी, ट्रैंक्वलिटी जो वर्ड होता है जिसे आप पीस बोलते हैं, इसका मतलब होता है शांति। तो हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द ब्लूज़, इन द ब्लूज़ का मतलब क्या होता है, ये एक मैं आपको कहानी बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि जैसे फॉरेन वगैरह में, पहले एंशियंट टाइम की बात है, जो बड़े बड़े शिप वगैरह होते थे वहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो जो फ्लैग होता है वो ब्लू कलर का फ्लैग लगा दिया जाता था, और इन द ब्लूज़, और जो हमारा सी होता था वो भी ब्लू होता था, तो अगर वहाँ की किसी की डेथ हो जाती थी तो ब्लू कलर का फ्लैग लगा दिया जाता था। इन द ब्लूज़ मतलब होता है दुखी होना, परेशानी होना, और बहुत ज़्यादा दुखी सेंस में आता है कि अगर किसी भी सोल्जर की वहाँ पर डेथ हो जाती थी तो ब्लू कलर का फ्लैग लगा दिया जाता था। वहीं से एडियम बना है इन द ब्लूज़, मतलब ग्लूमी, ग्लूमी मेलंकॉलिक, सभी का मतलब क्या होता है, सैड, दुखी होना, करेक्ट ऑप्शन बी। ये लिखा हुआ है अब्रॉड, अब्रॉड मतलब होता है जो फॉरेन होता है, फॉरेन को बोलते हैं अब्रॉड, यानी कि विदेश। टार्ड विद द सेम ब्रश क्या मतलब होता है, टार्ड विद द सेम ब्रश मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि कोई सगा नहीं है, सब एक दूसरे से मिले हैं। ट्रीटेड इक्वलिटी, सभी के साथ बराबर का व्यवहार करना। हैव द सेम मेरिट, सभी समान मेरिट्स के होना, समान गुण वाले होना, समान क्वालिटी वाले होना। फॉलो द सेम प्रिंसिपल, सभी को समान जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, फॉलो करना। या पॉसेस द सेम डिफेक्ट्स, यानी कि सब में बराबर की कमियां खामियां हैं, ये बेसिकली पॉलिटिशियंस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि टार्ड विद द सेम ब्रश, सभी एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, नो मैटर सारे वही काम करते हैं जो सारी गवर्नमेंट करती हैं, अगर किसी में करप्शन होना है तो सभी में बराबर का होता है, वो बात अलग है कि लोग कम ज़्यादा उसका आकलन करते हैं, बाकी सभी पॉसेस द सेम डिफेक्ट्स, या लिख के आता है न्यूज़पेपर में, टार्ड विद द सेम ब्रश, सब एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हीप कोल्स ऑन फायर ऑन हिज हेड, जो कोल माइन होती है उसकी जो आग होती है अपने सर पर लेना, उसका क्या सेंस निकल रहा है, इसका मतलब होता है गांधीगिरी दिखाना, एजिटेट हम, गुस्सा दिखाना, पुल हिम टू शेम या शर्मिंदा होना, इंसाइट हिम टू अ फाइट, बहुत ज़्यादा भड़कना लड़ाई के लिए, या टर्न द अदर चीक, गांधीगिरी का मतलब क्या होता है, कोई अगर आपको एक कंटाप मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए, गांधीगिरी यानी कि अहिंसा से
हम हमें हिंसक नहीं होना है, हिंसक प्रवृत्ति नहीं जाहिर करनी है, हमें अहिंसा से काम को कराना है। तो ही कोल्स ऑफ फायर ऑन हिज हेड, टर्न द अदर चीक, यानी कि गांधीगिरी दिखाना। एन आई ऑन द मेन चांस, इसका मतलब क्या होता है? जो आँख होती है, एन आई मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी जो जो मेन चांस होता है, मेन मौका होता है, उस पर नज़र लगाए रखना। तो पहला हमारा ऑप्शन है वेट्स फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम, सही मौके का इंतजार करना, सही मौके का उपयुक्त, मतलब वेट फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम, उपयुक्त समय का इंतजार करना। थिंक ऑफ आउटविटिंग हिज राइवल, और जो आपका विद्रोही है उससे जीतने के बारे में सोचना। लुक्स फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट, अच्छे मौके तलाशना। या लुक्स आफ्टर हिज ओन वेलफेयर, केवल अपने ही फायदे की सोचना। तो हमारा जो डी नंबर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, एन आई ऑन द मेन चांस, हमें अपने फायदे की सोचना। इसके लिए वर्ड आता है लुक्स आफ्टर हिज ओन वेलफेयर या एन आई ऑन द मेन चांस। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर कोई फिश है उसको अगर वाटर से बाहर कर देंगे तो क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, झटपटाएगी, फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाना, होमलेस, असहाय, बेघर, डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा निराश हो जाना या अनकंफर्टेबल हो जाना। मान लीजिए आपको ऐसी जगह छोड़ दी जाए जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, आप बिल्कुल झटपटाएंगे, तड़पेंगे, वही कंडीशन फिश की होती है वाटर में। अगर आप फिश वाटर के बाहर अगर किसी भी फिश को आउट ऑफ वाटर कर देंगे तो वो बिल्कुल झटपटाएगी, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, अनकंफर्टेबल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इडियम फ्रेजेस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए या नहीं है, और एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं से नए क्वेश्चन नहीं आते हैं ना नए बनाए जाते हैं, सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे करंट में, जो हमारे डेली लाइफ में चलते हैं और डेली लाइफ में हमारे देखने को मिलता है, वही सारी चीज़ें उठा के क्वेश्चन पेपर में रख दी जाती हैं। तो चाहें तो आप प्रैक्टिस पेपर देखें, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर कितना रहा इसमें से वो हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।